फ्लाई एश ब्रिक एक कन्वेंशनल रेड ब्रिक से बेहतर कैसे? दरअसल जो फ्लाई एश ब्रिक होती है उनका जो वेट है एक रेड ब्रिक के मुकाबले कम होता है। इसी रीजन से कई सारे जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर फ्लाई एश ब्रिक्स का यूज होता है, बिकॉज उनका वेट कम है तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर का वेट होगा उसमें भी काफी फर्क आ जाएगा। इसके अलावा जो फ्लाई एश ब्रिक्स है उनको यूज करने से काफी ज्यादा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है सीमेंट की, बिकॉज उनके ऊपर प्लास्टरिंग करने की इतनी नीड नहीं होती जितनी एक रेड ब्रिक के ऊपर होती है। एक फ्लाई एश ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी एक रेड ब्रिक के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो फ्लाई एश ब्रिक्स होती है वो वाटर भी काफी कम एब्जॉर्ब करती है इन कंपैरिजन टू अ रेड ब्रिक। साथ में ही जो फ्लाई एश ब्रिक्स है वो वेस्ट को यूज करके बनाई जाती है, वहीं पे जो कन्वेंशनल की रेड ब्रिक्स होती है इनको बनाने के लिए एक फर्टाइल लैंड को कन्वर्ट किया जाता है भट्टी में जिसमें ये ब्रिक्स बनाई जाती है।